आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन दिनों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो विपक्षी पार्टियों से पैसा लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं, जिस पर आगरा से दक्षिण विधानसभा के मुस्लिम लीग के प्रत्याशी अबू उलाई ने पलटवार किया है। उन्होंने पार्टी जिला अध्यक्ष पर कई सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अपने प्रत्याशी आगरा में उतारे थे, जिसमें दक्षिण विधानसभा सीट से अबू उलाई को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था। जिसके बाद मुस्लिम लीग के जिलाध्यक्ष मोहम्मद खालिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोहम्मद खालिद विपक्षी पार्टियों से पैसा लेने की बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनावों के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। ऐसे ही कुछ अबू उलाई कह रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग के प्रत्याशी थे। मेरा मानसिक उत्पीड़न किया गया है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे धोखा दिया गया, 400 BC की गई मेरे साथ, समझे। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। मैंने SSP साहब को अवगत कराया है और मैंने ये भी अवगत कराया है कि ये खलीक जो है सारा पैसा बटोर के विदेश भाग रहा है। इसके पास 2 जाली जो है वो है दस्तावेज, उसको जो उसकी जांच होनी चाहिए। फर्जी तरीके से इन्हें कागजात बना लिए हैं अपनी, विदेश जाने की तैयारी में। वायरल वीडियो में पैसे की बात तो नहीं खोली है इन्होंने, समझे। लेकिन जो है मेरे पास जो सूत्रों से मालूम किया गया है, उसमें मालूम पड़ा कि 20 लाख रुपए करीब इन्होंने लिया है उनसे। वायरल वीडियो के जवाब में जिलाध्यक्ष मोहम्मद खालिक ने भी एक वीडियो जारी कर दिया। पूरे चुनाव में अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करा और पूरा पैसा मुस्लिम लीग ने खर्च करा अपने पार्टी फंड से, और इनको बकायदा और खर्चा दिया। 80,000 रुपये का चेक दिया, वो पार्टी के नाम से दिया, इनके नाम से चेक दिया। पार्टी की उस पर मोहर लगी है, उसका भी रिकॉर्ड है पार्टी कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष के पास का रिकॉर्ड है। और 60,000 रुपये इनको नगद दिए गए खर्चा करने के लिए कि आप ना खर्चा करो, और जो दीगर खर्चे हुए वो सब पार्टी ने उठाया। ये पूरे झूठे अल्फाज इस आदमी के हैं, क्योंकि इस आदमी का काम ही यही है। कई लोगों ने इसकी मुखालफत करी, इन लोगों ने जो मुखालफत करी वो आज हमें लगता है कि वो सही मुखालफत थी, क्योंकि इस आदमी के आने से पार्टी बदनाम हुई और इस आदमी ने पार्टी को बेचने का काम किया। इंडियन मुस्लिम लीग अपनी जमीन को तलाशने में लगी है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, नुकसान कितना पहुंचता है ये वक्त बताएगा। संदीप शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।